सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के एक फ्रेश एपिसोड में। और ये हमारा जो सवाल जवाब का एपिसोड रहता है वो हमेशा संडे स्पेशल का एपिसोड रहता है, लेकिन इस संडे में ये एपिसोड को अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि एक्चुअली मैं सुबह से ऑफिस वर्क में बिजी था और फिर ऐसे में शाम को हमारे घर पर हमारी 85 ईयर्स की दादी माँ आ गई। फिर ऐसे में उनके साथ थोड़ा वक्त भी बिताया क्योंकि उनको भी थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है, फैमिली को थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये मंडे को मेरी रिकॉर्ड करके आपके साथ अपलोड कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, आपका कोई भी सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो दोस्तों, आपसे सबसे पहली जो कमेंट आती है वो अभिषेक रॉय की है और वो बताते हैं कि सर कैमरा इशू के बारे में कुछ बताइएगा, जी कैम के बारे में और बैटरी ड्रेन इज अ सीरियस इशू। एक्चुअली वन प्लस 5D के बारे में बोल रहे 8.1 एंड्रॉयड अपडेट के बारे में। हालांकि 8.1 अभी तक इंडिया में तो आया नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने VPN के साथ अपडेट किया उन लोगों को मिल गया। और थोड़ा मैं एक्चुअली ये 8.1 के इसमें डिटेल में जाता हूँ क्योंकि 8.1 का जो अपडेट है उसमें काफ़ी लोगों को कुछ दिक्कतें आई। किसी को ऑलरेडी बैटरी ड्रेन का इशू आया, किसी को सेल्फी कैमरा का इशू आया। लेकिन मैंने जिन लोगों को सजेस्ट किया कि वो सिस्टम रिसेट करे, सिस्टम सेटिंग्स को रिसेट करके 8.1 यूज़ कर दे, उन सभी का मुझे रिप्लाई ऐसा मिला है कि एक बार सिस्टम रिसेट करने के बाद उनके सभी इशूज सॉल्व हो गए। फिर चाहे वो नोटिफिकेशन इशू हो, फिर रिंगटोन का इशू हो या फिर बैटरी ड्रेन का इशू हो, तो काफ़ी सारे लोगों के इश्यूज सॉल्व हो गए। मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाई थी कि 8.1 से 8.0 पे कैसे जाए। वो वीडियो पे मैंने बताया था कि आपको वैसे भी 8.0 पे जाने के लिए सिस्टम सेटिंग्स को रिसेट करना ही पड़ता है, तो क्यों ना आप 8.1 पे ही एक बार सिस्टम सेटिंग्स को रिसेट कर लो और फिर एप्लीकेशन को दोबारा री इंस्टॉल कर लो, क्या पता आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और फिर आपको नेविगेशन गेस्चर्स भी इस्तेमाल करने को मिल जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें थी और काफ़ी अच्छे फीडबैक मुझे मिल गए ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए कि भाई हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया करके। और ऐसे में मैंने एक्चुअली बैटरी लाइफ इंप्रूव करने के लिए काफ़ी सारे टिप्स आपको दे दिए हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। और मैं तो पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप ग्रीनिफाई एप्लीकेशन को यूज़ करो, आपको उसके साथ अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। और इसके अलावा आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आपको OnePlus 5D के हिसाब से सभी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेटेस्ट जो भी आपको नोन इश्यूज़ है या फिर एंड्रॉयड 8.1 के क्या क्या इश्यूज़ है, तो आओ एक बार आप वो देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी अगला एक कमेंट है वो रोहित का है और वो बोलते हैं कि 8.1 को डाउनग्रेड करने के लिए एक वीडियो बना दो। तो रोहित, मैंने एक्चुअली वीडियो बना दी थी और आपको भी इन्फॉर्म कर दिया था। तो जो लोग ये देख रहे हो और जिनको वो वीडियो चाहिए कि 8.1 से 8.0 पे डाउनग्रेड कैसे करें, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, उधर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आगे हारून बोलते हैं कि आई अपडेटेड 8.1 थ्रू ओपेरा VPN एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, थैंक यू फॉर योर एडवाइस एंड मैंने कैश डेटा को भी इंक्लूड कर दिया। तो आप सही बात करते हो हरुण भाई कि एक्चुअली VPN मेथड काफ़ी सेफ रहता है, उसमें कुछ आप ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग कंट्री का अपडेट मिल जाता है या फिर आपको कुछ और फाइल मिल जाती है। और काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि भाई मैंने कस्टमर केयर को पूछा तो कस्टमर केयर वाला बोलते हैं कि VPN के साथ अपडेट मत करो, या फिर कस्टमर केयर वालों को क्या पता रहता है कि यार VPN क्या चीज़ है या फिर VPN से अपडेट करने से क्या मिलता है। वो लोग को सिर्फ बोला गया रहता है कि भाई अगर आपको फ़ोन आए तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि OnePlus का ऑफिशियल अपडेट ही आपको डालना है, कि उनको पता है कि अगर वो लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को प्रमोट करोगे तो फिर अगर कुछ इशू आ जाता है तो फिर लोग बोलोगे कि यार आपने मुझे बोला इसलिए मैंने अपडेट किया और अभी इशू आ रहा है। इसलिए वो भी एक सेफ गेम खेलते हैं और सिर्फ आपको यही बोलते हैं कि आपको सिर्फ जो ऑफिशियल सिस्टम अपडेट से अपडेट आएगा उसके साथ ही आपको अपडेट करना है, VPN मेथड को यूज़ नहीं करना है या फिर ऑक्सीजन अपडेटर को यूज़ नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अभी ये एक्चुअली मैं सभी लोगों को बोल चुका हूँ कि VPN मेथड काफ़ी सेफ मेथड है, अभी जिनको करना है वो कर सकते हैं। मैं खुद OnePlus 2 के टाइम से कर रहा हूँ, मुझे आज तक तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब हम लोग अपडेट कर देते हैं, कभी कभार बैटरी लाइफ ख़राब हो जाती है, कभी कभार कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने VPN से अपडेट किया इसलिए हमारे मोबाइल में वो इश्यूज़ आ गए। उसका प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकता है। चाहे आपने कभी ऐसा भी फेस किया रहेगा कि यार आप सिस्टम अपडेट के साथ अपडेट करते हो फिर भी आपके मोबाइल में बग्स आते हैं, तभी तो आप किसी को बोलते नहीं ना कि यार सिस्टम अपडेट से किया फिर भी मेरे इसमें बग आ गए। लेकिन आप VPN से करते हो तो फिर आप बोल जाते हो कि यार मैंने VPN से किया इसलिए मेरे इसमें बग है। तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, आप ये जो ख्याल है वो दिमाग से निकाल दो, VPN मेथड भी काफ़ी सेफ मेथड रहता है। अभी निखिल भाई बोलते हैं कि भाई कॉन्टैक्ट स्टोरेज एप्लीकेशन बैटरी में बहुत ड्रेन हो रहा है। एक्चुअली कॉन्टैक्ट्स का अगर स्टोरेज अगर आपके टॉप बैटरी ड्रेनिंग में आ रहा है, मतलब वेट लॉक डिटेक्टर में, तो आप एक काम कर सकते हो, गूगल प्ले सर्विस में जाइए, एप्लीकेशन लिस्ट में गूगल प्ले सर्विसेज में, उधर स्टोरेज करके ऑप्शन रहेगा उसमें जाइए, फिर मैनेज स्पेस करके ऑप्शन रहेगा उसमें जाइए,
और उसमें फिर डिलीट ऑल डेटा कर देना, क्योंकि ये गूगल प्ले सर्विसेज में डिलीट ऑल डेटा करने के बाद आपका जो एंड्रॉयड ओएस, गूगल प्ले सर्विसेज, ये सभी चीज़ें रहे, उसका जो बैटरी ड्रेन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये गूगल प्ले सर्विस भी काफ़ी जंक फाइल हमेशा मतलब कलेक्ट करके रखता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार तो गूगल प्ले सर्विसेज को भी निकाल देना चाहिए, उधर का डेटा भी निकाल देना चाहिए। वो डेटा निकाल देने से आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ भी तकलीफ नहीं। काफ़ी सारे मुझे ऐसे ही सवाल आ गए थे अभी विनोद जोशी का, तो ठीक है सुजय मोदी भी बोल रहे थे, फिर काफ़ी 2-3 लोग बोल रहे थे कि मैं OnePlus 5T के बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ। तो सर बात तो ऐसी है कि OnePlus के अलावा तो अभी रिसेंट टाइम में किसी का तो अपडेट नहीं है। सैमसंग के मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी S9 Plus फ़ोन है, फिर Pixel 2 XL फ़ोन है, उसके अलावा Honor V10 का फ़ोन है, फिर उसके अलावा Note 5 Pro है, फिर उसके अलावा Redmi का फ़ोन है, लेकिन उस किसी में तो अपडेट तो नहीं आ रहे। अभी अपडेट तो आ रहा है वो सिर्फ OnePlus के फ़ोन में, तो ऐसे में जिसमें अपडेट आ रहे हैं उसका मुझे लोगों के लिए वीडियो बना के देना तो ज़रूरी बनता है। अगर उनको कुछ इश्यूज़ फेस होते हैं तो वो इश्यूज़ को ट्रबल शूट करने के लिए या फिर उनको सॉल्यूशन देने के लिए फिर वीडियोस बनाना ज़रूरी है। और फिर तो मैं तो सिर्फ लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया है और फिर मैं सिर्फ OnePlus के वीडियोज़ बनाता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि OnePlus के डिवाइस में काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं, बग्स आते हैं, और उसको रिजॉल्व करने का सॉल्यूशन मुझे पता है और सिर्फ मैं वो कन्वे करता हूँ। आप चाहिए तो हमारे एक सब्सक्राइबर है अजय नारगिस साहब, उसको भी पूछ सकते हैं। उनका तो उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया 8.1 से 8.0, लेकिन उनका बूट लोडर में ही उनका अपडेट फंस गया था और फिर उसका रिकवरी मोड में ही बार बार जा रहा था, और ऐसे में सर्विस सेंटर जाने के अलावा उनके पास कुछ रास्ता भी नहीं था। वैसे में उन्होंने मुझे ईमेल कर दिया, मैंने उनके साथ पर्सनली बात कर दी और उनको फिर बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए, और उनका इश्यू सॉल्व हो गया। तो ऐसे जो भी सब्सक्राइबर्स रहते हैं उनको जो भी इश्यूज़ आते हैं मैं सिर्फ सॉल्व करने की हेल्प करता हूँ, और इसलिए OnePlus 5T के जो वीडियोज़ है वो लास्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा इसमें अमाउंट में आ गए, क्योंकि 8.1 रोल आउट होने के बाद उसमें काफ़ी बग्स भी मिल गए, और जो भी बैटरी लाइफ रहता है, कैमरा इश्यूज़ रहता है या फिर रिवर्ट बैक कैसे करने का, ये सभी चीज़ों को मुझे लोगों को बताना ज़रूरी पड़ता है। अगर यही अपडेट अगर ऑनर दे देता है तो मैं ऑनर की वीडियोज़ बनाऊँगा, अगर सैमसंग दे देता है तो मैं सैमसंग की वीडियोज़ बनाऊँगा, अगर पिक्सल दे देता है तो मैं पिक्सल की वीडियोज़ बनाऊँगा। लेकिन ये सब फ़ोन्स में जो अपडेट आते हैं वो तो सिर्फ सिक्योरिटी पैच अपडेट आते हैं, नए फीचर्स के तो कोई अपडेट आते नहीं है। अभी ऑनर का फ़ोन तो मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट इतना टाइम हो गया, उसने EIS तो अभी तक दिया नहीं है। हालांकि मेरे ख्याल से फेस अनलॉक के बाद उसका ढंग का कोई अपडेट भी दिया नहीं है कि जिसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए। तो ऐसे में आप ही मुझे बता सको कि मैं एक ऑनर का वीडियो बनाऊँ तो किस पे वीडियो बनाऊँ, या फिर पिक्सल का वीडियो बनाऊँ तो किस पे वीडियो बनाऊँ, सैमसंग का वीडियो बनाऊँ तो किस पे वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए OnePlus के वीडियोज़ ज़्यादा आते हैं। अभी संदीप बोल रहे कि आई डिडंट गेट द अपडेट, आई एम ऑन OpenBeta 6। एक्चुअली अगर आप ओपन बीटा पे रहेंगे OnePlus 5T में तो आपको डायरेक्टली अगर स्टेबल वर्जन में जाना है तो वो अपडेट आपको नहीं मिलेगा, आपको ओपन बीटा से 5.0.4 पे जाना पड़ेगा और फिर उधर उसके बाद ही फिर आपको VPN से अपडेट मिलेगा। क्योंकि ओपन बीटा पे रहोगे तो सिर्फ आपको ओपन बीटा का ही अपडेट मिलेगा, और अगर आप स्टेबल पे रहोगे तो सिर्फ आपको स्टेबल का अपडेट मिलेगा, ओपन बीटा टू स्टेबल ऐसा अपडेट आपको नहीं मिलेगा। तो आइदर आपको ओपन बीटा में है तो फिर आपको स्टेबल में आना पड़ेगा स्टेबल अपडेट के लिए, अगर आप स्टेबल में है और आपको ओपन बीटा चाहिए तो फिर आप कर सकते हो। नीलेश बोलता है कि OnePlus 5T लूँ या OnePlus 6 के लिए वेट करूँ, अभी इस समय में तो आपको बोलूँगा OnePlus 6 के लिए वेट कर दूँ, क्योंकि उसका तो एक्चुअली ट्रेलर भी अमेज़ॉन पे आ गया है और मोस्टली May 18 तक अमेज़ॉन पे लॉन्च भी हो जाएगा, और आप अभी इस वक्त OnePlus 5T मत ले लो, क्योंकि OnePlus 5T आपको मिलेगा Snapdragon 835 के साथ, हालांकि OnePlus 6 आपको मिलेगा Snapdragon 845 के साथ। तो मैं तो बोलूँगा अभी ऑलमोस्ट आप ये साल के मिड ईयर तक आ गए हो तो फिर मई में आपको Snapdragon 845 लेना बनता है, पुराना प्रोसेसर के साथ जाने से कुछ मतलब नहीं है। गणेश भाई बोलता है कि भाई मैंने ओपेरा VPN से अपडेट किया है तो मुझे नए अपडेट मिलेंगे क्या? तो गणेश भाई हाँ, आपको नए अपडेट सभी मिलेंगे, आप ओपेरा VPN से अपडेट करो या फिर किसी और चीज़ से अपडेट करो, आपको सिस्टम अपडेट में आगे वाले सभी स्टेबल अपडेट मिल जाएंगे। कमलजीत बोलते हैं कि भाई मुझे ऐसे लगता है कि मैं ओपन बीटा पे वापस चला जाऊँ। हाँ कमलजीत भाई, एक्चुअली ओपन बीटा में काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि ऑटो पिकअप का कॉल गेस्टर्स है, फिर नेटवर्क बूस्ट है, फिर एक म्यूज़िक का भी अभी रिसेंटली ऐड कर दिया है। तो ऐसे काफ़ी सारे नए फीचर्स ओपन बीटा में डाल दिए, और ओपन बीटा काफ़ी स्टेबल है, मतलब ओपन बीटा में कभी हमने इतने बग्स आइडेंटिफाई भी नहीं किए जितने हम लोग स्टेबल में करते हैं। स्टेबल में तो रिंगटोन का बग तो हमेशा मिल जाता है, अभी स्टेबल में जो लेटेस्ट आया है 8.1 उसमें तो सेल्फी कैमरा का भी एक बग मिला है कि उसमें काफ़ी सारा नॉइज़ आता है। तो ऐसे में अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली 8.1 से ओपन बीटा फ्लैश कर सकते हो, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी।
हरमन भाई बोलते हैं कि पता नहीं कंपनी चेक करके अपडेट को क्यों नहीं रिलीज़ करती। तो ये एक्चुअली सिर्फ वन प्लस के साथ ही ऐसा होता है, बाकी सारी कंपनीज़ को हम अभी ऑनर ने इतने सारे अपडेट्स दिए लेकिन कभी ऑनर में कभी ऐसा इशू नहीं आ गया कि ये बग आ गया, इस बग की वजह से ऑनर में बैटरी ड्रेन हो रही है या फिर कुछ हो रहा है। ऑनर व्यू टेन का एक ही प्रॉब्लम है कि उसका चार्जिंग स्लो हो जाता है। काफ़ी सारे लोग ने मुझे ये बोल दिया है कि उसका जो चार्जिंग है ना वो काफ़ी स्लो है। अभी मुझे तो खुद अभी जब भी मैं चेक करता हूँ ऑनर V10 तो मुझे 2 घंटे में चार्ज हो जाता है। जब भी पहले मैंने फ़ोन लिया था तो मुझे भी 3-3 घंटा लगता था। मैंने एक बार वो रिप्लेस करवा दिया, फिर रिप्लेस करने के बाद भी 3-3 घंटा ले रहा था ना, तो फिर मुझे पता नहीं था क्या इश्यूज़ है। मैंने सुपर चार्जर मंगवा दिया, सुपर चार्जर के साथ 1.5 घंटे में चार्ज होना स्टार्ट हो गया। और फिर उसके बाद मैंने जब भी क्विक चार्जर यूज़ किया तो क्विक चार्जिंग के साथ भी 2 घंटे में तो फुल चार्ज हो जाता है नॉर्मली 10% to 100%। तो लेकिन ये जो ऑनर का एक इशू है वो काफ़ी नॉन इशू है कि 3 घंटा या 4 घंटा चार्जिंग के लिए लेते थे। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि इसके लिए क्या सोल्यूशन है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है और सर्विस सेंटर वाले भी कुछ सोल्यूशन बताते नहीं है कि जाके फिर क्या करना है। सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वो सिर्फ फैक्ट्री डेटा रिसेट कर देंगे लेकिन उससे कुछ इशू सॉल्व नहीं हो जाता। तो अभी ये ऑनर का सॉफ्टवेयर का इशू है या फिर चार्जर का इशू है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये इशू काफ़ी नॉन इशू है। विनीत शिंदे बोलते हैं कि सर मुझे अभी तक 8.1 का अपडेट नहीं आया, कभी आएगा? एक्चुअली इंडिया में अभी तक 8.1 का अपडेट रोल आउट नहीं हुआ है। फर्स्ट 2 दिन में रोल आउट हो गया था, जिनको मिला और उन्होंने अपडेट कर दिया, वो अभी सब सही चल रहा है। फिर उसके बाद इंडिया में अपडेट को पॉज कर दिया और अभी तक OnePlus 5D के वेबसाइट में भी वो फाइल अपलोड नहीं हो गई है। तो अभी पता नहीं इंडिया में वो अपडेट कभी आएगा, और फिर आता है या फिर और कुछ बग फिक्स करके नया अपडेट वो लेके आते हैं, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन आप VPN मेथड से कर सकते हो। श्याम ठाकुर बोलता है कि नोट 5 प्रो में पोर्ट्रेट मोड कैसे इम्प्रूव होगा? अभी नोट 5 प्रो में जब भी ओरिजिनल आया था ना वो 9.2.4, तभी पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छा था और तभी उसका कैमरा फीचर काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर उसने 9.2.5 लेके आया, 0.6 लेके आया, 0.7 लेके आया, सब में उसने कैमरा की वाट लगा दी है पूरी रेडमी के नोट 5 प्रो में। इसलिए जो पुराने वर्जन पे है 9.2.4 पे वो लोग सब सही चल रहे हैं, उनको बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल रही है, उनको कैमरा भी अच्छा मिल रहा है, फेस अनलॉक भी चल जाता है। लेकिन उसके बाद अपडेट के बाद काफ़ी लोगों के फिर इश्यूज़ आना स्टार्ट हो गए कैमरा के लिए। शुभम भाई बोलते हैं यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच शुभम भाई, यार आपका एप्रिसिएशन मिलता है काफ़ी अच्छा लगता है, और फिर एक हम लोग जिस पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं वो पर्पज़ फुलफ़िल हो गया ऐसे लगता है। लक्ष्मण भाई बोलता है कि मोबाइल नेटवर्क में मुझे तीनों कलर आ रहा है, क्या करें? एक्चुअली मैंने जो ये वीडियो बनाई थी, आपके जो बैटरी ग्राफ रहता है उसमें अगर आपका मोबाइल के सिग्नल्स में अगर आपको तीनों कलर आ रहे हैं इसका मतलब आपके मोबाइल का सिग्नल स्ट्रांग नहीं है। और इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये सब मोबाइल टावर पे डिपेंड रहता है। अगर आपके घर में मोबाइल टावर का जो सिग्नल है वही कम रहेगा तो उसमें कुछ अलग सोल्यूशन ही नहीं है, अदर देन अगर आप वो नंबर को या फिर वो नेटवर्क को चेंज कर सके। अभी मेरे घर में तो नेटवर्क का पूरा आ जाता है इसलिए सभी ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है। अगर मैं कुछ और जगह पे जाऊँ जिधर नेटवर्क नहीं आएगा तो फिर येलो और फिर रेड साइन आ जाएगा। सुमित भाई बोलते हैं कि सर जब से मैंने OTA अपडेट किया है 1 वीक के बाद 10% to 100% जाने के लिए ऑलमोस्ट टाइम ले रहा है, बट पावर ऑफ करता हूँ तो 1.5 घंटे में हो जाता है ऑनर V10। तो ये OTA अपडेट की वजह से नहीं है, ये ऑनर V10 की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स है कि वो 10% to 100% लेने के लिए काफ़ी टाइम लेता है। और पर्सनली मुझे भी काफ़ी टाइम ले रहा था, तो फिर मैंने फिर उसके सोल्यूशन के लिए सुपर चार्जर मंगवा दिया ईबे से। हालांकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि ईबे पे ओरिजिनल सुपर चार्जर नहीं मिलता है करके, अभी पता नहीं, मैंने वो टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन मैं जब भी मतलब उसका जो ओरिजिनलिटी रहता है वो टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन मैं जब भी कनेक्ट करता हूँ तो मेरा 1 घंटे में 80% चार्ज हो जाता है सुपर चार्जर से। तो फिर उसने उतने में मैं खुश हूँ, लेकिन उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, कुछ 1900 रुपये है ईवे पे। तो अगर आप अपने रिस्क पे लेना चाहते हो तो ले सकते हो वो चार्जर, उसमें रिटर्न पॉलिसी भी है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। हनील भाई बोलते हो कि यू आर सो हम्बल एंड आई लाइक दैट, थैंक यू वेरी मच हनील भाई, आपने इतना अप्रिशिएशन दिया, मुझे अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई मतलब मैं जो वीडियोस बनाता हूँ यूज़र्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, उनको हेल्प करता हूँ। हालांकि आप मेरे सभी वीडियोस पे देखेंगे ऐसा एक भी कमेंट आपको नहीं मिलेगा जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया है, मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ और सभी के इश्यूज़ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और इससे मुझे खुशी मिलती है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़रूर हो जाता है क्योंकि काम करने के बाद फिर ये वीडियोस रिकॉर्ड करके, लेकिन वो एक खुशी की वजह से वो स्ट्रेस भी निकल जाता है। और फिर ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो फिर बोलता है ना कि हम लोग जो काम करते हैं उसका एक चीज़ हो जाता है, या चलो ठीक है मैंने अच्छा काम किया और उसका मुझे अच्छा फीडबैक मिला,
तो दोस्तों बस इतने ही कमेंट्स थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके कुछ डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करने की कोशिश की रहेंगी और आपके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश की वो अच्छी हुई रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और आपको कोई भी सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।